नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के लिए, समाज के लिए। और दो तीन साल हो गए गुरुजी समाज में नहीं है, तो आज लोगों का क्या कहना है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? बूटा सिंह जी। क्या काम करते हैं सर आप? हम खेती बाड़ी करते हैं जी सर। डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या जानते हैं सर आप? हम डेरा सच्चा सौदा के बारे में यही जानते हैं कि गुरुजी ने 134 मानवता के भलाई के करे किए हैं, और गुरुजी के जाने के बाद जो हमारे गांव शहरों में भी आजकल भी जो नौजवान है वो नशे की ओर जा रहे हैं ज़्यादातर, और छोटे छोटे बच्चे भी अपने यानी कि नशा लेते हैं, ड्रग हीरोइन स्मैक, जो पहले हम जानते नहीं थे जब गुरुजी यहाँ पर थे। और गुरुजी के जाने के बाद बहुत समाज को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। गुरुजी ने किस तरह से सर समाज को संभाला हुआ था, मतलब वो किस तरह से काम कर रहे थे समाज के लिए? अपने गुरुजी ने समाज के लिए बहुत काम किए, जो आंखें दान यानी कि जीते जी गुर्दा दान, ते जो कि वैश्यों की शादी करवाना, जो गुरुजी ने 134 मानवता भलाई के करे किए, ते जो आज भी समाज में बेमिसाल है। हाँ जी, नशे के लिए क्या काम किया सर गुरुजी ने? गुरुजी ने नशे के लिए बहुत बड़ा काम किया, जाकर गुरुजी ने नशे छुड़वाए समाज में, इससे काम किया। क्या सर आज 3 साल होने वाले हैं गुरुजी नहीं हैं, तो आज किस तरह का लग रहा है आपको उनके समाज के अंदर ना रहने से, क्या प्रभाव लग रहा है आपको, किस तरह के इम्पैक्ट आपको दिख रहे हैं? हाँ जी, बहुत बुरा प्रभाव दिख रहा है। और गुरुजी के जाने के बाद पहले समाज में नशा बहुत कम था जी, अब गुरुजी के जाने के बाद समाज में बहुत नशा बहुत ज़्यादा हो गया जी, जो बड़े बड़े शहरों में था पहले, अब गांवों में शहरों में और हरेक स्टेट में नशा हो गया जी बहुत ज़्यादा जी। अब सर अगर देखा जाए उनके कार्य हैं एक तरफ, दूसरी तरफ सर उनके ऊपर रोप लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या मानना है? ये जो रोप लगा रहे हैं जी गुरु राम रहीम के बारे में, वो निराधार झूठ है जी। गुरु जी सच है और सच ही रहेंगे जी। उन्होंने समाज में बहुत अच्छे कार्य किए हैं जी। आपको ऐसा क्यों लगता है सर भी उनके ऊपर जो रोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं, आपको ऐसा क्यों फील होता है? हमको ये ऐसा फील होता है भी गुरु जी ने हमें जो संस्कार दिए हैं वो, और कोई भी जो भी इस भी गुरु पीर समाज में आए शायद तक ही किसी ने दिए हो जी। समाज में गुरु जी ने बहुत अच्छे नेक कार्य किए और हमको जीने का ढंग सिखाया भी, इसी बात है। सर क्या आपको लगता है भी आज के समय में समाज को गुरु जी की ज़रूरत है? हाँ जी, गुरु जी की बहुत सख्त ज़रूरत है। जो समाज में गुरु जी आए अच्छे काम हो, आज की पीढ़ी जो नौजवान पीढ़ी है नशे से रहित हो जी, यही से। सरकार से क्या मांग करेंगे सर गुरुजी के लिए? हम सरकार से यही मांग करेंगे गुरुजी जल्दी से जल्दी आएं, उनके जो भी उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज है जो वो निराधार झूठ है जी, झूठ है जी, हमारे गुरुजी 100% सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। झूठ है जितने भी आरोप सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये जनता का मानना है। हम लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, लगातार हम सर्वे कर रहे हैं, हजारों लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं, काफ़ी जगह पर हम पहुंच चुके हैं, फैक्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों का यही मानना है कि जितने भी आरोप गुरु जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं वे सब झूठे हैं। जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि जब से गुरु जी समाज में नहीं है नशा बढ़ता जा रहा है, इसको देखकर लगता है कि जो ये सजा है एक संत को ना मिलकर एक समाज को मिल रही है, क्योंकि जब से वो समाज में है नहीं है तब से नशा जैसी बुराइयाँ समाज में बहुत बढ़ रही हैं। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए, अपनी राय जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।